दोस्तों अभी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो, तो यार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि इंस्टाग्राम के नए अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया डिलीट वाला सेक्शन में। अगर इंस्टाग्राम में डिलीट करने जाओगे तो डिलीट करने का कोई भी ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं करना, पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना। साथ में मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके घर में दो मोबाइल फ़ोन है तो दूसरे वाला फ़ोन में इंस्टाग्राम ओपन कर लेना, और जो स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हो देखते रहो और साथ ही साथ अप्लाई करते रहो, क्योंकि इंस्टाग्राम इस बार बहुत ही कंफ्यूज कर दिया है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको सिंपल तरीका से समझाने का। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एक सब्सक्राइब करने से क्या जाता है आपको। अरे चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट, तो मिलते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अब जिस भी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना। ऑलरेडी मेरे फ़ोन में वही अकाउंट सेलेक्ट है, तो सेलेक्ट तो है, तब जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लोगो उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर में थ्री लाइन है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, करते रहो। अब यहाँ पर लिखा है हेल्प, हेल्प पर क्लिक करना है। हेल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। हेल्प सेंटर पर क्लिक करने के बाद इधर कहीं पर भी नहीं मिलेगा डिलीट करने का ऑप्शन, तो फिर से थ्री लाइन है उस पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज योर अकाउंट, मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक करना है। मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद नीचे लिखा है डिलीट योर अकाउंट, तो उस पर क्लिक करना है। डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फिर खुल गया मेरे पास एक नया पेज, तो उस पर लिखा है टेम्पोरली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, एक्सेस योर डाटा ऑन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे लिखा है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते रहें। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है डिलीट योर अकाउंट, तो कहाँ से मिलेगा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो पहला वाला है उस पर क्लिक करेंगे, टेम्पोरली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करते ही यहाँ पे लिखा है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं लिखा है डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। कहाँ से मिलेगा, तो लिखा है एंड्रॉयड ऐप हेल्प, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद मोबाइल ब्राउजर हेल्प, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है डिलीट योर अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है। डिलीट योर अकाउंट पे, डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है व्हाई डू यू वांट टू डिलीट, क्यों डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं कोई भी कारण दे दूंगा। यहाँ पे मैं कांट फाइंड पीपल टू फॉलो, क्लिक कर दिया। अब इस पर क्लिक करने के बाद जो मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल कर देंगे, तो जो मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड रखा है उसको मैं डाल दूंगा। तो मैंने इंस्टाग्राम का पासवर्ड डाल दिया, अब उसको कर लेना है डिलीट, तो थोड़ा टाइम लेगा बट हो जाएगा। बस यहाँ पे ये हो गया है, सॉरी समथिंग वेंट टू रॉन्ग, ये ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे। पीछा करते जाओ, यहाँ पे बता दिया एरर, इसको कर लेंगे ओके। करते ही जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट था वो भी डिलीट हो गया। अगर 30 दिनों के अंदर तक आप इसको लॉगिन नहीं करोगे हमेशा के लिए 30 दिनों के बाद ये डिलीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, धन्यवाद।